तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है ये है केमिकल इक्वेशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये जानेंगे, साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है और अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन उसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो प्रोसेस भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ किस तरह से केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स को मेंशन किया जाता है और साथ ही साथ रिएक्शन का जो कंडीशन है उसे किस तरह से मेंशन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड 9th में जो आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान ले एक गिलास पानी में अगर इस पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, या फिर अगर हम बहुत गर्म करते हैं तो वो उबलकर भाप बन जाता है। तो यहां पर ये जो चेंज है इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के चेंज में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो पानी में इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पानी में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जैसे इसे ठंडा किया जाता है तो इसका मोशन कम हो जाता है और मोशन कम होते साथ यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसके कारण कि ये मॉलिक्यूल सब रुक जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आइस है। तो इस प्रोसेस में आप गौर करें कि जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन जो है एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स, इस कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, वो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहता है, पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन घट जाता है और वो रुक कर वो बर्फ बनाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह का जो चेंज है जिसमें कि केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता है बल्कि सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, इस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। जबकि अगर पानी में हम छोटा सा सोडियम का एक टुकड़ा अगर डाल दे तो यहां पर एक्सप्लोजन होता है और साथ ही साथ यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, यहां केमिकल चेंज होता है। होता क्या है कि ये पानी का मॉलिक्यूल है एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एटम, अब क्या है कि जैसे ही सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है सोडियम के कांटेक्ट में आता है तो सोडियम का जो एक एटम है ये सोडियम का एक एटम एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद जाकर यहां पर जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक सोडियम यहां पर जुड़ जाता है तो ये NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहां पर। तो आप देखिए जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जो पानी था और जो सोडियम था एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे तरह का मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, तो इस तरह के चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंज। चलिए केमिकल चेंज के एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस चीज को हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लिखने का तरीका देखें किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, जिनके बीच रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और फिर इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो ये एरो उसी चीज को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन है हम नॉर्मली इसे इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम जो यहां पर मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के लिए हम इसका सिंबल लिखते हैं Mg, और ऑक्सीजन जो है इसके लिए भी हम सिंबल लिखते हैं इसका O, लेकिन साथ ही यहां पर नीचे 2 लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में
एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसीलिए O2। ये टू इंडिकेट कर रहा है कि दो O दैट मीन ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो भी प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म हो रहा है, जिसका कि रिएक्शन जिसका सिंबल जिसका हम फॉर्मूला कहेंगे जिसका फॉर्मूला है MgO। यहां पर एक Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो है ये इसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कुछ केमिकल इक्वेशंस का और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होके पानी बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और ये HCl बनाता है। वेल तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गया केमिकल रिएक्शन का। अब आप गौर करें, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा, अगर इसका पिक्टोरियल फॉर्म आप देखें तो आपको एक बात यहां से क्लियर हो जाएगी कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें, इस साइड में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि मैग्नीशियम का एक एटम है, जबकि रिएक्शन के बाद जो बन रहा है वहां पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के दो एटम्स था यहां पर, लेकिन रिएक्शन होने के बाद आपको ऑक्सीजन का एक ही एटम मिलेगा। तो एक एटम यहां गया कहां? वेल, तो इस तरह का जो केमिकल इक्वेशन होता है, चूंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, इक्वेशन का जो दोनों साइड्स है, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड बैलेंस्ड नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इस तरह के इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज रिएक्टेंट साइड और जो राइट हैंड साइड है विच इज प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है अलग अलग एलिमेंट का, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, अलग अलग है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का यहां पर दो एटम्स है, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद एक एटम दिख रहा है, तो एक एटम यहां पर कम है प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इसका सही मायने में सही व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सही व्यू कुछ ऐसा होगा कि दो मैग्नीशियम एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहा है। यहां पर आप गौर करें कि मैग्नीशियम का एटम नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले कितना था, एक दो, और रिएक्शन के बाद एक दो, ऑक्सीजन का देखें एक दो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी एक दो, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले या फिर कहें रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में सेम है हर एक एलिमेंट के लिए, मैग्नीशियम के लिए भी सेम है, ऑक्सीजन के लिए भी सेम है। तो इस तरह के इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि दोनों साइड जो है कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसका मतलब अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहे तो उसे बैलेंस कैसे किया जाएगा, यह प्रोसेस भी हमें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके किताब में हिट एंड ट्रायल मेथड मिलेगा आपको, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ठीक है, ये आपके लिए जानना सही है, लेकिन उससे थोड़ा आसान होता है जो मेथड, वो है एल्जेब्रिक मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड पे ही बात करेंगे, तो सिंपल सा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसे अभी हमें बैलेंस करना है। कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए बैलेंस करने का जो तरीका है, अगर मैं पिछले पेज में वापस जाऊं तो यहां पर हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक बार वापस से आप देख ले, दो मैग्नीशियम का एटम, तो Mg एक मैग्नीशियम एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे पहले जब आप 2 लगा देते हैं तो यह इंडिकेट करता है दो मैग्नीशियम का एटम है। यहां पर O2 कुछ नहीं लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4 कुछ नहीं है उससे पहले, ये इंडिकेट करता है 1 को, तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है, तो एक मॉलिक्यूल यहां पर। और फाइनली क्या बन रहा, MgO बन रहा है, कितना MgO बन रहा है, MgO इज अ मॉलिक्यूल, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा, एक और दो,
तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां इसका मतलब यह है कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहे, उसे बैलेंस हम करेंगे, तो यहां पर कुछ नंबर हमें मिलेगा, 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हमें मिलेगा, जो कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमें अभी पता नहीं वो नंबर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ए लगा देते हैं, हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे, यहां पर हम बी लगा देते हैं, यहां पर हम सी लगा देते हैं। चलिए, ए बी और सी का वैल्यू हमें यहां पर पता करना है। अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एल्जेब्रिक मेथड कहा जाता है, समटाइम्स कुछ लोग इसे ए बी सी डी मेथड भी कहते हैं। तो इस एल्जेब्रिक मेथड में अभी हमें ए बी और सी का वैल्यू पता करना है, यहां पर नंबर हमें मिलेगा, वही नंबर ए बी और सी के जगह पर हम पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि हमने देखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स है, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर मैग्नीशियम को कंसिडर करते हैं, तो मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स देखे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ए नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो ए लेफ्ट हैंड साइड में ए नंबर ऑफ एटम्स है, और राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, सी नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है सी नंबर ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक मैग्नीशियम एटम होगा, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम होगा। तो यहां पर अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो कितना मैग्नीशियम एटम है, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है। हमें पता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, दैट मीन ए को सी के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इसी तरीके से ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो हमें क्या मिलेगा, देखे लेफ्ट हैंड साइड में विच इज रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, देखे बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स होगा, तो B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2 × B नंबर ऑफ एटम्स होगा, 2 × B नंबर ऑफ एटम्स होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स है 2B और राइट हैंड साइड में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, C नंबर ऑफ एटम्स होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में MgO के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में C नंबर ऑफ एटम्स होगा ऑक्सीजन का। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो है C। तो हमें यहां से दो इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, ए बी और सी के लिए वैल्यू हमें पता करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो तीन वेरिएबल्स है, इन तीन वेरिएबल्स में से किसी एक का वैल्यू हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। हम इस तरह से उस वैल्यू को अज्यूम करते हैं ताकि जो बाकी वेरिएबल्स है उसका भी वैल्यू हम पता कर सके। तो यहां पर आप ए बी या सी किसी का भी वैल्यू आप 1 अज्यूम कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं सी का वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूं। सो लेट C इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम C इज इक्वल टू 1 अज्यूम करते हैं, वैसे ही देखिए इस इक्वेशन से A इज इक्वल टू C, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा कि A का वैल्यू जो कि C के बराबर है, तो A का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरे वाले इक्वेशन को देखें, 2B इज इक्वल टू C। सो 2B इज इक्वल टू C और C का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया है, सो 2B इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम B का वैल्यू पता कर सकते हैं, B इज इक्वल टू 1/2। ये 2 जो है इस साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2B इज इक्वल टू 1, हेंस B इज इक्वल टू 1/2। तो हमने A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1/2 और C का वैल्यू 1 पता कर लिया। अब हम यहां पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, A, B और C। A के जगह पे 1, B के जगह पे 1/2 और C के जगह पे 1। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरह का फ्रैक्शन हम नहीं लिखते हैं, हमें होल नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑब्वियसली होल नंबर में होना चाहिए। तो यहां से हमें इस फ्रैक्शन को हटा के होल नंबर लाना है। इस फ्रैक्शन को हम कैसे हटाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है, इस 2 को हमें यहां से हटाना होगा, जिसके लिए हम पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखें ये जो 1 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।
और ये जो वन हाफ है इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और ये जो वन है इसे जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टू। जब केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे कि हमने बात किया, इस वन को लिखने का जरूरत नहीं होता है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो उसी का मतलब होता है वन। तो आप गौर करें यहां पर ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस्ड हो चुका है। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था 2mg प्लस O2 ये हमें देगा 2MgO। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक मेथड से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिलहाल के लिए दो इक्वेशंस, पिछला वाला और ये वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेल, यहां पर भी वही करेंगे, हम लोग ए लगा देंगे यहां पर, यहां बी और यहां पर सी। अब हम क्या करेंगे, सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर के लिए नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज रिएक्टेंट साइड, उस साइड में देखें नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा, यहां पर 8 सल्फर एटम मिलके इसका मॉलिक्यूल बन रहा है और यहां पर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन यहां पर 8A नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर का, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स होगा सी, सल्फर के लिए नंबर ऑफ एटम्स होगा सी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब अगर फ्लूरीन को हम बैलेंस करते हैं तो फ्लूरीन आप लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट वाले साइड में आप पाएंगे 2B नंबर ऑफ एटम्स है और राइट हैंड साइड में आप पाएंगे 6C नंबर ऑफ एटम्स यहां पर है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से ए बी और सी के लिए वैल्यूज को हम पता करेंगे। इसके लिए हम ए या बी या सी किसी का भी वैल्यू हम वन अज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, सी का वैल्यू वन अज्यूम कर लेता हूं। सो लेट सी इज इक्वल टू वन। जैसे सी का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, चलिए सी का वैल्यू हमने 1 अज्यूम कर लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा 8A इज इक्वल टू सी विच इज 1। सो यहां से हमें मिल जाएगा A का वैल्यू हो जाएगा 1/8। इसका मतलब हमें इक्वेशन को इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे उसे मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को हटा लेंगे। अब क्या है देखें, अब हमें B का वैल्यू यहां से पता करना है। देखें 2B इज इक्वल टू 6C, 6C, C का वैल्यू अगर 1 होगा तो 2B इज इक्वल टू 6 × 1 विच इज 6, और यहां से आगे B का वैल्यू होगा 6/2, सो 6/2 दैट इज 3। वेल, तो यहां पर A का वैल्यू 1/8 आया, B का वैल्यू आया 3 और C का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया था। अब यही वैल्यूज जो है यहां पर हम इसे पुट कर देते हैं। सबसे पहले A का वैल्यू 1/8, वेल, और B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू निकल के आया 1, या हमने ही अज्यूम किया था 1। अब आप गौर करें यहां से जो है इस फ्रैक्शन वाले 8 को हमें यहां से सब्स्टिट्यूट करना, हटाना है, फ्रैक्शन को हटा के होल नंबर ले आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 8 गायब हो जाएगा। सो इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, देखिए ये जो 1/8 है ये बन जाएगा 1 और ये जो 3 है ये 3 बन जाएगा, 3 × 8 इज इक्वल टू 24, और ये जो 1 है ये 1 8 से मल्टीप्लाई करते साथ ये 1 बन जाएगा 8। वेल, और हमें पता है इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो इस 1 को फिलहाल हम यहां से हटा देते हैं। अब ये जो इक्वेशन बना ये बैलेंस्ड इक्वेशन बना, आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप सल्फर को देखें तो सल्फर का 8 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी सल्फर का 8 एटम्स होगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल SF6 के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, वैसे ही 8 मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर सल्फर का 8 एटम्स है। फ्लूरीन को अगर आप देखें तो फ्लूरीन यहां पर जो फ्लूरीन मॉलिक्यूल है इसमें 2 एटम्स है, 24 मॉलिक्यूल्स है तो 48 फ्लूरीन एटम्स है। इस साइड में भी देखें F6 मतलब 6 फ्लूरीन एटम है एक मॉलिक्यूल में, 8 मॉलिक्यूल है तो 8 × 6 46
48 आई एम सॉरी, सो 48 लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लोरीन एटम है, राइट हैंड साइड में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लोरीन एटम का नंबर सेम हो गया। दैट मीन ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और मैं आपको बता दूं फिर से कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम बहुत सारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, आप देखेंगे केमिकल इक्वेशन के साथ साथ उसका जो फिजिकल स्टेट है, जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, या फिर पानी में घुला हुआ है, जिसे कि एक्वस फॉर्म कहा जाता है। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन है। आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये रस्ट बना रहा है और हाइड्रोजन लिबरेटेड हो रहा है। तो यहां पर आप गौर करें कि ये जो S है ये इंडिकेट कर रहा है सॉलिड को। आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है उस सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है। यहां वाटर वेपर के साथ जो आयरन है उसका रिएक्शन होता है, इसीलिए H2O जो कि पानी है उसे G लिखा गया उसके बगल में, मतलब वो गैसेस फॉर्म में है, वो वेपर फॉर्म में है और रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। यहां पर ये जो Fe3O4 है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये जो हाइड्रोजन है जो लिबरेटेड हो रहा है ये गैसेस फॉर्म में है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और मिथाइल अल्कोहल बनता है। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच रिएक्शन हो रहा है और ये बन रहा है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन लिबरेटेड हो रहा है और ये पानी भी थोड़ा बहुत बन रहा है। उससे पहले पिछले वाले इक्वेशन में ये जो कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है और मिथाइल अल्कोहल लिक्विड है, इसी के लिए यहां पर L लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में वापस आते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले इक्वेशन में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बगल में AQ लिखा हुआ, मतलब ये एक्वस फॉर्म में है। पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन होता है जिससे कि यहां पर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है और थोड़ा पानी भी बनता है। यहां पर पानी जो है ये लिक्विड, उसके बगल में L लिखा हुआ मतलब ये लिक्विड है। मैं फिर से बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला हुआ है इसीलिए ये एक्वस लिखा हुआ, यहां एक्वस फॉर्म में है, पानी में घुला हुआ है। और जो ग्लूकोज बनता है इस प्रोसेस में उसके बगल में भी देखे AQ लिखा हुआ, मतलब ये भी एक्वस फॉर्म में है, पानी में घुला हुआ है। जैसे कि शक्कर को अगर आप पानी में घोल दें तो वो एक सोल्यूशन मिलता है आपको, उसे हम कहते हैं कि वहां पर ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में है, ना ही सॉलिड फॉर्म में ना लिक्विड फॉर्म में, बल्कि पानी में घुला हुआ एक्वस फॉर्म में है। इसी तरह से यहां भी जो ग्लूकोज बनता है ये पानी में घुला हुआ होता है और जो ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है वो भी पानी में घुल जाता है और साथ ही साथ यहां पर थोड़ा पानी बनता है जिसके कारण, पानी जो कि लिक्विड है, जिसके कारण यहां पर L लिखा हुआ है। ये तो फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम्स कभी कभार आप केमिकल इक्वेशन में ये भी पाएंगे कि जो रिएक्शन का कंडीशंस है, जैसे कि किस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है या फिर किस प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है या फिर कौन सा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। कैटलिस्ट क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वो केमिकल रिएक्शन को होने में मदद करता है, तो वो कैटलिस्ट है। तो इस तरह के रिएक्शन का जो कंडीशंस है, समटाइम्स वो कंडीशन भी मेंशन किया हुआ रह सकता है। जैसे कि यहां पर पिछला जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमने देखा था जहां पर कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच के रिएक्शन के बारे में बात किया था, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर में रिएक्शन होता है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन होता है। तो वही जो रिएक्शन का जो कंडीशन है उस रिएक्शन के कंडीशन को एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, तो यहां पर ऊपर लिखा गया है। इस कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? फोटोसिंथेसिस सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये इस केमिकल रिएक्शन का एक कंडीशन हो गया कि सनलाइट चाहिए होगा और साथ ही साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है। तो वो दो चीजें यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये रिएक्शन का कंडीशन है। तो कभी कभार आपको केमिकल इक्वेशन में इस तरह से कंडीशन भी लिखा हुआ मिलेगा और जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स पे बात करेंगे।
तो जैसा कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे तरह के केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि कोयला अगर कहीं पर जल रहा है तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक दूसरे तरह का सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से जैसे आप मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यहां पर मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का जहां पर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अगर आप इन दो तरह के केमिकल रिएक्शंस पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि दोनों में ही दो अलग अलग तरह का सब्सटेंस जो है एक साथ जुड़ रहा है और जुड़ के एक तरह का या एक प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दूसरे एग्जांपल में देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, दो अलग अलग तरह का सब्सटेंस जुड़ रहा है और जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन इसका उल्टा भी कभी कभार होता है। जैसे कि आप देखेंगे जब कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन आप खोलते हैं तो वहां बबल निकलता है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। जब प्रेशर रिलीज होता है ढक्कन खोलने से क्या होगा, प्रेशर रिलीज होता है, ढक्कन बंद किया हुआ रहता है हाई प्रेशर में वो रहता है तो कार्बोनिक एसिड वहां पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ढक्कन खोल दिया जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड बबल के फॉर्म में रिलीज्ड होता है। तो इस एग्जांपल में ये भी केमिकल रिएक्शन है, इस एग्जांपल में आप ये पाएंगे कि एक सब्सटेंस एक कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है, जबकि पहले दो एग्जांपल्स में क्या था कि दो तरह का कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बना रहा है, यहां पर एक कंपाउंड टूट के दो कंपाउंड्स बन रहा है। तो इस बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, फिर डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ताकि आपको बेहतर याद रहे। सबसे पहले हम इसे पिक्टोरियली देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स और डेफिनेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक साथ जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाता हो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जब कोई एक कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में वो टूट जाता है इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ये है कि ये एक कंपाउंड है मान ले और ये एक एक एलिमेंट या कंपाउंड है, ये क्या करता है ये आता है और इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा, इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करेगा और ये इसे डिस्प्लेस करेगा, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा भी पहले को डिस्प्लेस करेगा, कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। यहां पर आयन का एक्सचेंज होता है बेसिकली, यहां पर इसका आयन इसका एक पार्ट इधर चला जाता है और इसका एक पार्ट इस तरफ आ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एक करके डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे पहले हमने दो एग्जांपल्स देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, देखिए सिंगल प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। उसी तरह से मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो यहां पर देखिए दो रिएक्ट
रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर एक और एग्जांपल आपको मिलेगा। देखिए इस बलून में हाइड्रोजन भरा हुआ है, जैसे ही इसके सामने हमने फ्लेम को यहां पर प्रोड्यूस किया तो उस समय क्या हुआ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में ये एक्सप्लोड करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन है और इस प्रोसेस में पानी बनता है। तो इस रिएक्शन को आप गौर से देखें, यहां पर एक दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर कि एक सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट हमें देगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें देगा, सिंपलर प्रोडक्ट हमें देगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है, यहां पर देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है इन दोनों में। तो यहां आप गौर करें कि यहां पर एक रिएक्टेंट है जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाए तो सनलाइट का जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करके ये टूट जाता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, एक एंटिटी आके एक कंपाउंड के एक एंटिटी को एक पार्ट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। हमने पिक्टोरियली थोड़ी देर पहले यह देखा था। जैसे कि एग्जांपल हो गया जिंक, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक मिलाते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहां पर देखें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको दिख रहा है, इसे पानी में घोल के ये सॉल्यूशन बना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहां पर जो है ये जिंक है। इस जिंक को जैसे ही यहां पर इस जिंक को यहां पर डाला जाता है वैसे ही एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में देखें कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर वैनिश कर जाता है और यहां नीचे कॉपर आके जमा होता है, कॉपर नीचे जमा होता है और यहां पर जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 यहां पर बनता है। अब गौर से इस केमिकल रिएक्शन को देखें, यहां पर जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा, कॉपर को हटा रहा है और जिंक आके यहां सल्फेट के साथ यहां पर जुड़ रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर जो है डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर जिंक के बदले हम आयरन भी यूज करते तो भी इसी तरह का रिएक्शन हमें दिखता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिखता, आयरन भी कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस और खुद यहां पर आके जुड़ जाता है और यहां पर जो फेरस सल्फेट है फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर जो है ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर कि आयंस का एक्सचेंज हो, मतलब इसका एक पार्ट उसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करेगा और उसका डिस्प्लेस्ड हुआ पार्ट यहां पर पहले वाले में आके जुड़ जाएगा, तो यहां पर आयंस का जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है, यहां पर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर हम यहां पर मिला देते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बनता है जो कि पानी में सल्यूबल नहीं है, इसीलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर दिखता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि यहां पर जो पानी है उस पानी में वो घुल जाता है। अब यहां पर आप इस रिएक्शन को गौर करें, दो पार्ट में इसे तोड़ देते हैं, सोडियम और सल्फेट और बेरियम और यहां पर क्लोराइड। यहां पर सोडियम आके बेरियम को डिस्प्लेस करता है और क्लोरीन के साथ
जुड़ के सोडियम क्लोराइड बनता है, वहीं पर बेरियम जो है इस सल्फेट के साथ आके जुड़ जाता है, तो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। वैसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के बीच जो रिएक्शन होगा ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर आके क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और सोडियम जो है यहां नाइट्रेट ग्रुप के साथ ये जुड़ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल भी आप देख ले, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के बीच का रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बन रहा है। तो ये तो उस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, जिससे कि अलग अलग तरीके से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो हो रहा है, कि कहीं पर रिएक्टेंट्स जुड़ के प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पर रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहा है, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शंस को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। लेकिन एक और तरीका है केमिकल रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का, उसे कैटेगराइज करने का, वो है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हीट लिबरेट कर रहा, मतलब हीट जनरेट कर रहा, हीट छोड़ रहा है, या फिर वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। देखिए, 100 का मतलब होता है बाहर, ये जो 100 शब्द है इसका मतलब होता है बाहर, बाहर निकलना। थर्मो है हीट के लिए, थर्मो शब्द का यूज किया जाता है। एंडो का मतलब होता है अंदर, और फिर से थर्मिक, थर्मो से आया हुआ है। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट एनर्जी बाहर निकलता है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हीट बाहर निकलता है, हीट इवॉल्व होता है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और किसी केमिकल रिएक्शन में जब हीट वो अब्सॉर्ब करता है तो फिर उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने दो एग्जांपल्स देखा था, एक तो कार्बन का जलना, कोयले का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो यहां पर गौर करें, इस प्रोसेस में ये बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। हम कोयला जला के खाना पका सकते हैं, ये बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ऑब्वियसली ये 100 मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है। और हमने ये एग्जांपल भी देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, हम अगर उसे गर्म करें, उसे अगर हीट प्रोवाइड किया जाए, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जाम्पल जो है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अभी से डिफाइन कर लेते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होता है, एक रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हीट रिलीज होता है तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और जब एक केमिकल रिएक्शन होने के दौरान हीट अब्सॉर्ब्ड होता है, हीट को वो अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर केमिकल रिएक्शन होता है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से हीट एनर्जी रिलीज होता है, उसी तरह से मीथेन को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में आप घोल दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ बहुत सारा हीट एनर्जी वो रिलीज करता है। तो ये दो एग्जांपल्स जो है, ये दो एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए, अगर इसे गर्म किया जाए, उस समय वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां पर हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया था, उसी तरह से यहां पर फेरस सल्फेट को गर्म करना पड़ता है, इसे हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह से लेड नाइट्रेट को भी अगर गर्म किया जाए, इसमें अगर हीट प्रोवाइड किया जाए, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
तो हम शुरुआत करेंगे इसके क्लासिकल व्यू से, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सबसे पहले जिस तरह से डिफाइन किया गया था उस हिसाब से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और ध्यान रखें कि आपके कोर्स करिकुलम के बाहर भी बहुत सारी चीजों पर हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा पेशेंट रहें और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्लासिकल व्यू, मतलब सबसे पहले जब इसे डिफाइन किया गया था तो किस तरह से डिफाइन किया गया था, तो ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था कि जब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन केमिकली एडेड होता है, जब वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां पर आप गौर करें मैग्नीशियम पे, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम में जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस है इसी को ऑक्सीडेशन कहा गया। तो यहां पर कहा जाता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। उसी तरह से कॉन्सेप्ट आया रिडक्शन का भी, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, उसी तरह से अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, केमिकली अगर बॉन्डेड हो जाता है हाइड्रोजन जाके, तो कहा जाता है कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल देख ले, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहां पर आप गौर करें क्लोरीन पे, क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, के हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहां पर HCl बन रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, जिसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ा उसका रिडक्शन हो रहा, मतलब यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस माना जाता है। तो जैसे जुड़ना एक प्रोसेस है, उसका अपोजिट प्रोसेस क्या होगा, हटना, वहां से अलग होना, ये जुड़ने का अपोजिट प्रोसेस है। अब अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर रिडक्शन है और रिडक्शन अगर ऑक्सीडेशन का अपोजिट हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड होना रिडक्शन है, और रिडक्शन अगर ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, तो एडिशन का ऑपोजिट क्या है, रिमूवल। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक ही तरह का चीज होना चाहिए, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच जब रिएक्शन होता है उस समय HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ सल्फर अलग हो जाता है। यहां आप हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है, इस सल्फर पे गौर करें, क्या हो रहा है, इस सल्फर से हाइड्रोजन जो है अलग हो जा रहा है और सल्फर देखे यहां अकेला पड़ गया, मतलब यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कहां से रिमूवल हो रहा है, सल्फर से रिमूवल हो रहा है, मतलब सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। वेल, इसी तरह से रिडक्शन को हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक एग्जांपल देख ले, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन को एक साथ लेकर अगर गर्म किया जाए तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ कॉपर यहां पर अलग हो जाता है। अब इस कॉपर ऑक्साइड के कॉपर पे आप गौर करें, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए कॉपर अलग पड़ गया है। तो चूंकि यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, इसीलिए यहां पर कहा जाएगा कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा, तो कॉपर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा, दैट्स वाई यहां कॉपर का रिडक्शन हो रहा है।
तो ये तो था क्लासिकल व्यू, बहुत पुराना व्यू, सबसे पुराना व्यू। धीरे धीरे इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डेफिनेशन है ये मॉडर्नाइज होते गया समय के साथ साथ, हमारे जरूरत के हिसाब से समय के साथ साथ ये मॉडर्नाइज होते गया, और फिर आगे चल के इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे डिफाइन किया गया। आप पूछेंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सपोज यहां पर दो एटम्स है जो कि बॉन्ड बना रहा, दो एलिमेंट का एटम यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा और इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है। अब इन एटम्स के साइज, फिर उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, उसके वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कितना स्टेबिलिटी मिलेगा, इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि इनमें से किस एलिमेंट का एटम, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जो ज्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, कहा जाता है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टेंडेंसी है, एक एटम का एक ऐसा टेंडेंसी है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके तरफ, खुद के तरफ जो वो अट्रैक्ट करता है उसे इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। तो यहां पर कहा जाएगा सपोज कि ये एटम ए है या एलिमेंट ए का एटम है और ये एलिमेंट बी का एटम है, तो यहां पर कहा जाएगा कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि बी ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने तरफ खींचा और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप आगे चल के स्टैंडर्ड 11th में जाके खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में काफी कुछ जानेंगे और वहां पर बहुत सारे स्केल्स के बारे में जानेंगे जहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पता किया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक लिस्ट है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि मैग्नीशियम है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर मेंशनड है। अब देखिए हाइड्रोजन का 2.2, क्लोरीन का 3.16, ऑक्सीजन का 3.44 और फ्लोरीन का 3.98। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का या उसे पता लगाने का, उसका वैल्यू असाइन करने के लिए तरह तरह का स्केल अवेलेबल है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्केल है, मीटर से हम मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल हो गया, फुट से हम मेजर कर सकते हैं, इस तरह से लेंथ को हम अलग अलग स्केल में जैसे मेजर कर सकते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का भी बहुत सारे स्केल्स है, जैसे कि पाउलिंग स्केल है, ऑलरेड रॉको स्केल है, इस तरह से तरह तरह का स्केल है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो स्केल यूज किया जा रहा है, जो वैल्यूज आपको यहां पर दिख रहा है, ये पाउलिंग स्केल में मेजर किया हुआ वैल्यू है। इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 11th में जाके पढ़ेंगे, जब आप एडू पॉइंट में जाके सर्च करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोज मिल जाएगा, पाउलिंग स्केल क्या है, ऑलरेड रॉको स्केल क्या है, मुलिकन स्केल क्या है, ये सारी चीजें आप वहां पर जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th में। फिलहाल के लिए आप ये देख ले, अभी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ज्यादा बॉदर ना करें, सिर्फ इस लिस्ट पे ध्यान दे। यहां पर जो लिस्ट है, यहां कुछ एलिमेंट्स, पांच एलिमेंट, छह एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख रहा, पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां से हम ये समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन को बदला गया, मॉडर्नाइज किया गया, मॉडिफाई किया गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे इसे डिफाइन किया गया। तो देखिए क्लासिकल व्यू क्या था, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी को कुछ ऐसा चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया कि अब ऑक्सीडेशन को कहा गया एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसी तरह से रिडक्शन को डिफाइन किया गया एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और या फिर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि दो एलिमेंट अगर आके जुड़ता है, उनमें से एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, उसी बेसिस पे इसे डिफाइन किया गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को।
अगर किसी एलिमेंट के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो हम कहेंगे उसका होगा ऑक्सीडेशन, और अगर किसी एलिमेंट के साथ उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ता है तो हम कहेंगे उसका होगा रिडक्शन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहां पर दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा है, यहां पर मैग्नीशियम के साथ फ्लूरीन आके जुड़ रहा है और मैग्नीशियम फ्लूराइड बन रहा है। आप अगर मैग्नीशियम और फ्लूरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो आप पाएंगे कि मैग्नीशियम जो कि मेटल है, मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। मैग्नीशियम जो कि मेटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.31 और फ्लूरीन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें तो ये है 3.98। तो फ्लूरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब अगर आप मैग्नीशियम पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि मैग्नीशियम के साथ कौन आके जुड़ रहा, फ्लूरीन आके जुड़ रहा है, और फ्लूरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है तो हम कहेंगे मैग्नीशियम के साथ एडिशन हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगर आप यहां पर इस बात को गौर करें कि फ्लूरीन को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, फ्लूरीन के साथ यहां पर देखे MgF2, मतलब फ्लूरीन के साथ कौन आके जुड़ रहा, मैग्नीशियम आके जुड़ रहा। अब फ्लूरीन से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब हम ये कहेंगे चूंकि फ्लूरीन के साथ एडिशन हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो हम यहां पर कहेंगे फ्लूरीन का हो रहा है रिडक्शन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फ्लूरीन का रिडक्शन हो रहा है। आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमेशा ये चीज होगा, एक एलिमेंट के साथ अगर दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा तो एक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। मतलब कहीं अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन भी होना मैंडेटरी है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहा जाता है, बल्कि इन्हें कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। री फॉर रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा, ये ध्यान रखें। इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये तो जुड़ने वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। अब अगर टूटने वाला, अलग होने वाला एग्जाम्पल देखे तो देखे यहां पर सिल्वर क्लोराइड है, जिसे आपको पता है सनलाइट में अगर रखा जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो अब अगर आप सिल्वर पे गौर करें तो आप ये पाएंगे सिल्वर से क्लोरीन अलग हो रहा है, सिल्वर से क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिल्वर से ज्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिल्वर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हम कहेंगे सिल्वर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अलग हो रहा है, सिल्वर से रिमूवल हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसका मतलब सिल्वर का क्या हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। और अगर क्लोरीन को गौर करें तो देखे क्लोरीन से ये सिल्वर अलग हो रहा है और सिल्वर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, मतलब क्लोरीन के सेंस में देखे तो रिमूवल हो रहा है किसका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, मतलब सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां भी वही चीज आपको दिखेगा, जुड़ने के केस में जो चीज दिखा था कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा, टूटने के केस में भी आपको वही चीज दिखेगा, जहां पर रिडक्शन हो रहा वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रहा है। इसीलिए हम इस तरह के रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब अगर इस सेंस से आप आगे बढ़े तो आप ये पाएंगे जो क्लासिकल आइडिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो क्लासिकल आइडिया किस तरह से फेल हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मे बी क्लासिकल आइडिया ये कहे कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में कहा जाए कहीं पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो मे भी हो सकता है ऐसा क्लासिकल सेंस ये कहे कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहां रिडक्शन कहेगा वहां पर ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीडेशन कहेगा तो वहां रिडक्शन कहा जाएगा। तो ये एक फेलियर है, क्लासिकल आइडिया जो है, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका फेलियर आपको दिखेगा। दो एग्जाम्पल हम यहां पर ले रहे हैं, तो यहां आप गौर करें कि इस जगह पे पहले रिएक्शन में आप अगर फ्लूरीन पे गौर करें तो आप ये पाएंगे फ्लूरीन के साथ आके जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और हमें पता है क्लासिकल आइडिया ये कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्लासिकल आइडिया ये कहेगा कि फ्लूरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये कौन कह रहा है? ये क्लासिकल व्यू कह रहा है, क्लासिकल व्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये कहेगा कि फ्लूरीन का हो रहा ऑक्सीडेशन। पर अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि फ्लूरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो फ्लूरीन के साथ कौन आकर जुड़ रहा है? फ्लूरीन के साथ आकर जुड़ रहा है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और हमें पता है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आकर अगर जुड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आकर जुड़ेगा, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि इस रिएक्शन में जो कहा जाएगा, क्लासिकल व्यू कहेगा कि फ्लूरीन का हो रहा ऑक्सीडेशन, पर जो मॉडर्न व्यू है या फिर कहें जो मॉडिफाई करने के बाद जो डेफिनेशन बना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस हिसाब से कहा जाएगा कि फ्लूरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर आपको क्लासिकल आइडिया का एक फेलियर मिलेगा। सो दिस इज अ फेलियर ऑफ क्लासिकल आइडिया। उसी तरह से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन जब होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, उस समय मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। क्लासिकल आइडिया क्या कहेगा? क्लासिकल व्यू ये कहेगा कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो मैग्नीशियम का हो रहा है रिडक्शन। ये कौन कहेगा? ये क्लासिकल व्यू जो है, क्लासिकल आइडिया ये कहेगा। लेकिन मॉडर्न आइडिया क्या कहेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे जब इसे डिफाइन किया जाएगा तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये गौर करेंगे कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसका ज्यादा है किसका कम है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां से देख ले आप हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम के साथ आकर कौन जुड़ रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मॉडर्न आइडिया या फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये जो मॉडर्न आइडिया है, या फिर मॉडर्न तो चलिए ये तो आगे चल के और भी मॉडिफाइड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, तो जो नया आइडिया है या फिर जो इससे ज्यादा क्लासिकल व्यू से ज्यादा मॉडर्न आइडिया है जो कि है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो ये कहेगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ फेलियर ऑफ क्लासिकल आइडिया। आप आगे के स्टैंडर्ड्स में 11th में खासकर जाकर ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिफाइन किया जाता है, और वो है मोस्ट मॉडर्न आइडिया, सबसे मॉडर्न आइडिया, और उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बहुत सारे चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे कि ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और एक रिएक्शन में किस तरह की चीजें हो रहा है, एक रिएक्शन होने का फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम वहां से जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड 10th लेवल पे हम लोग इस पे अभी बात नहीं करेंगे, ये हम 11th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोरोजन और रैंसिडिटी पे बात करेंगे। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कोरोजन हमें नॉर्मली मेटल्स में दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन का केस ले ले, जब आयरन का कोई नया, आयरन से बना हुआ एक नया ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो वो बड़ा ही चमकीला सा होगा, वो बड़ा चमकदार होगा, लेकिन समय के साथ साथ उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, जिसे कि रस्ट कहा जाता है, हिंदी में हम इसे जंग कहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है उसके साथ इसका केमिकल रिएक्शन होता है और फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि जंग है, रस्ट है।
उसी तरह से अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर एक बहुत ही चमकीला सा मेटल होता है। शुरू शुरू में इसमें बहुत चमक होता है, पॉलिश करने से भी इसमें बहुत चमक होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ होता यह है कि उसके ऊपर भी एक कोटिंग चढ़ जाता है, काला रंग का कोटिंग चढ़ जाता है। और यही केस कॉपर के साथ भी होता है। कॉपर एक ब्राउन कलर का चमकीला मेटल है, इसके ऊपर भी समय के साथ साथ एक कोटिंग चढ़ जाता है, हरा रंग का कोटिंग चढ़ जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये सारे कोरोजन का एग्जाम्पल है। जब भी मेटल के सराउंडिंग्स का जो सब्सटेंसेस है उसके साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि मॉइस्चर के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, एसिड्स के साथ होता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है। बेसिकली वो उस मेटल का ऑक्साइड का कोटिंग होता है मोस्टली मोस्टली। तो ये कोटिंग के कारण जो है इसमें एक बहुत बड़ा लॉस आप कह सकते हैं होता है, इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि जो मेटल है उसका क्षय होता है, वो धीरे धीरे कोरोड कर जाता है। तो इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। और कोरोजन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये एक इकोनॉमिक लॉस है कोरोजन, कोरोजन के कारण हर साल हमें अरबों रुपए का लॉस होता है हमारे देश में। जो लोहे से बना हुआ स्ट्रक्चर्स है, लोहे से बना हुआ जो भी चीजें हैं उसमें कोरोजन होता है और उसका क्षय होता है। क्षय होने के कारण हमें एक इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ता है। ये तो कोरोजन था। अब बात करते हैं रेंसिडिटी पे। देखिए, जो भुना हुआ, तला हुआ, खासकर तला हुआ फ्राइड फूड जो है उसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्मेल होता है और टेस्ट होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसका जो वो टेस्ट है और वो जो स्मेल है वो स्मेल बदल जाता है, चेंज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फैट्स जो है, फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ फैट्स और ऑयल्स का रिएक्शन होता है और वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण कि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहा जाता है। इसी रैंसिडिटी से बचने के लिए जो फ्राइड फूड मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं, जो प्रिपेयर्ड फूड है उस फूड में कुछ सब्सटेंसेस जो कि इस ऑक्सीडेशन को रोकता है, वैसे सब्सटेंसेस का यहां पर यूज करते हैं। उस तरह के सब्सटेंसेस को एंटी ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। जो ऑक्सीडेशन को रोकता है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है। और साथ ही साथ जो ब्रांडेड कंपनीज हैं फ्राइड फूड के, वो क्या करते हैं, वो अपने पैकेज्ड फूड को या अपने प्रिपेयर्ड फूड को एक पैकेट में पैक्ड करते हैं, और वो बड़ा ही फ्लफी सा बैग होता है, उसके अंदर भरा हुआ होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर कहें जो ब्रांडेड कंपनीज है वो क्या करते हैं, वहां पर नाइट्रोजन भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, और ये एक एयर टाइट कंटेनर में वो फ्राइड फूड को या फिर कहें प्रिपेयर्ड फूड को रखते हैं। नाइट्रोजन भरने से होता क्या है, देखिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए, रेंसिडिटी होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ रहेगा तो उस प्रिपेयर्ड फूड को ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और वहां पर रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और रेंसिडिटी वहां पर नहीं होगा। इसी को रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर में, फ्लफी बैग्स में, नाइट्रोजन से भरा हुआ बैग्स में जो प्रिपेयर्ड फूड है उसे रखा जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।